हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में अपडेट कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करेगा, अप डाउन हो तो क्या करेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस पॉइंट मूवमेंट करेगी, सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने कल क्लियर एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 35,300 के ऊपर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए। अगर देती है तो हम लोग वहाँ पर बाइंग तरफ का व्यू रख सकते हैं। अब देखेंगे मार्केट इसी के पास से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया, अभी मार्केट में एक सेल साइड का यहाँ पर प्राइस सेक्शन बना चुका है। डे एंड में इसका क्लोजिंग 35,000 के ऊपर अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रही है। इसका डेली कैंडल में क्लोजिंग 35,000 के ऊपर हो चुका है, बट हमें 15 मिनट कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमें सेल साइड का प्राइस सेक्शन दिख चुका है। तो कल अगर मार्केट 35,100 के नीचे इस जोन में 35,100 से लेकर के 34,900 के बीच में इस रेंज में ओपन होती है तो हम लोग इसे 34,950 को क्रॉस करते ही यहाँ पर सेल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी स्पेस है, हमारा टारगेट 34,500 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी टारगेट मिल जा रही है। 400-500 पॉइंट का हमारे पास स्पेस है, तो बॉटम यहाँ पर 34,500 के पास से ही मार्केट में रिवर्सल आ सकती है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छी स्पेस है। बट अगर मार्केट 35,200 के ऊपर इस लेवल में कहीं पर ओपन होती है तो फिर हमें बाइंग साइड का प्लान करना पड़ेगा। हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि 35,350 35,400 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे 15 मिनट का, तो हम लोग यहाँ पर बुलिश की तरफ मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट दो दिन से आप देख सकते हैं मार्केट एक ही रेंज में ट्रेंड कर रहा है, इसी रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, बट यहाँ पर टाइम नहीं था। कल नेक्स्ट डे देखेंगे कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर हमें बीरिस तरफ ही देखना पड़ेगा। बट मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाती है 35,200 के ऊपर, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ट्रैप हो सकती है, बाइंग साइड का हमें प्लान करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि 35,350 35,400 के ऊपर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दे, फिर उसके हाई को निकाले, तो ही हम लोग वहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन हो तो वहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखेंगे किस तरह से बना रही है, फिर उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की जैसा फ्लैट ओपन हुआ, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है या 15 मिनट ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग देती है तो हम लोग वहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। निफ्टी में बैंक निफ्टी की अपेक्षा बेहतर प्राइस एक्शन बीरिस कैंडल में बीरिस पैटर्न बना चुका है। तो कल अगर मार्केट 17,225 से लेकर के 17,180-175 के बीच में ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होती है, तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 17,180-175 को क्रॉस करते ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म हो चुका है, बेरे से यहाँ पर पैटर्न हमें मिल चुका है। तो अगर इस रेंज में ओपन होती है तो मार्केट कल सेल साइड में बहुत ही बेहतर यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास पेंडिंग है, स्पेस है, ये सारे स्पेस है, तो 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट हमारे पास स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर एक जो गैप है यहाँ पर गैप को फिल कर सकती है मार्केट, तो बहुत अच्छी स्पेस है सेल साइड के लिए। बट अगर मार्केट 17,250 के ऊपर इस रेंज में कहीं पर ओपन हो जाती है तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट को बुलिश साइड देखेंगे, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव कर सकती है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पर 17,300-17,290 के ऊपर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है तो वहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकते हैं। अभी मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, देख सकते हैं इस रेंज में मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है, बट लोअर साइड में इसने ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर प्राइस सेक्शन, यहाँ पर लोअर लो और ओपनिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर कल मार्केट 17,225 के नीचे ओपन होती है तो ही मार्केट में हम लोग सेल साइड का व्यू रखेंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन में फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, इसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है BPCL, बहुत बेहतर यहाँ पर प्राइस सेक्शन क्रिएट कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉटम से यहाँ पर बाइंग आई है, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना चुका है, कंफर्मेशन भी हो चुकी है। बट हम यहाँ पर ट्रेड तभी करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 383 को निकाले, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 मिल सकती है। नेक्स्ट है ग्रासिम। ग्रासिम में भी बहुत बेहतर यहाँ पर सेल साइड का प्राइस बना चुका है। आप देख सकते हैं लगातार लोअर लो बनाते चला जा रहा है। तो अगर कल है 16 फ्लैट ओपनिंग के बाद 16
1598 को निकालते हैं तो हम लोग 1598 1599 के नीचे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7 से 8 रुपये का रहेगा। टारगेट आपको 1:2 मिल सकती है। नेक्स्ट ग्रासिम बहुत बेहतर प्राइस सेक्शन यहाँ पर भी बना रखा है, यहाँ पर भी डब्लू पैटर्न बना चुका है। अभी इसके इस रेंज के पास, इस साइज के पास जाकर क्लोजिंग दे चुकी है। कल अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो हम लोग 2568 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 1200 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:2 मिल सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।